हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट रिलीज मूवीज एंड वेब सीरीज बताने वाला हूं जो आजकल और हाल फिलहाल में ही ओटीटी पर रिलीज हुई है। तो हमारी पहली मूवी है द घोस्ट स्टेशन। ये एक कोरियन हॉरर थ्रिलर मूवी है। इसमें कहानी एक यंग न्यूज रिपोर्टर की है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है रेलवे स्टेशन पर हुई रहस्यमयी मौतों को। अब रेलवे स्टेशन के पास लोग पैरानॉर्मल तरीके से क्यों मर रहे हैं और कौन है इसके पीछे, भूत या इंसान, वो आप मूवी देखकर जानिए। ये मूवी अमेज़न प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। हमारी नेक्स्ट मूवी है पैराडाइज। ये एक साइफाई थ्रिलर मूवी है जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। इसमें कहानी ऐसे एडवांस फ्यूचर की है जहाँ साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है जिसमें कोई भी बंदा पैसे लेकर अपनी जवानी किसी भी बूढ़े आदमी को बेच सकता है, जिसकी वजह से बूढ़ा आदमी जवान हो जाएगा और जवान आदमी बूढ़ा। पर ट्विस्ट तो तब आता है जब मैक्स की बीवी के साथ धोखे से कोई उसकी जवानी के 40 साल चुरा लेता है। तो अब मैक्स आगे क्या करता है, वो आप मूवी देखकर जानिए। ये मूवी हिंदी में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। हमारी नेक्स्ट मूवी है साइलेंट टावर्स। ये एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसमें कहानी एक प्राइवेट डिटेक्टिव जॉन की है जो एक साथ 3 औरतों के मर्डर केस में फंस जाता है और पुलिस को पूरा यकीन है कि इन मर्डर में इसी का हाथ है। बताओ क्या जमाना आ गया, आजकल डिटेक्टिव फंस रहे हैं। तो इसमें आगे वो अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करता है, वो आप इस मूवी में देखिए। अमेज़न प्राइम पर ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन बुक माई शो पर ये मूवी आपको हिंदी में मिल जाएगी। सो हमारे अगले नंबर की सीरीज है गुड ओमेंस। अगर आप लोगों ने लूसीफर देखी है तो ये सीरीज आपको वैसे ही डेविल और एंजल्स के कॉन्सेप्ट पर ले जाएगी, जिसमें कहानी है सैटर्न के बच्चे की। इसमें डीमंस का प्लान है सैटन के बच्चे को धरती पर लाकर उसे बड़ा करना ताकि वो दुनिया खत्म कर सके, और एंजल्स का प्लान है डीमंस को रोकने का। इस सीरीज में आपको कॉमेडी भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। सो इसमें आगे क्या होता है, वो आप सीरीज देखकर जानिए। ये सीरीज अमेज़न प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। सो गाइस, अगले नंबर की जो सीरीज है वो एक तरह से सीरीज नहीं, मिनी सीरीज है, जिसका नाम है द लॉस्ट फ्लावर ऑफ एलिस हार्ट। इसमें कहानी एक 9 साल की लड़की की है जिसके माँ बाप एक खौफनाक और दिल दहला देने वाले हादसे में मर जाते हैं, जिसके सदमे के कारण वो बच्ची एलिस बोलना बंद कर देती है। पर जब एक दिन वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उनके फ्लावर फार्म हाउस पर जाती है तो वहाँ उसे अपनी फैमिली के कुछ राज और मिस्टीरियस पास्ट का पता चलता है। तो अब इसमें धीरे धीरे कौन कौन से राज खुलते हैं और इस सीरीज में आगे क्या होता है, वो आप ये सीरीज देखकर जानिए। ये सीरीज अमेज़न प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। हमारे अगले नंबर की सीरीज है द लिंकन लॉयर। इस सीरीज के सीजन 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हाल ही में जुलाई और अगस्त में रिलीज हुआ है। इस सीरीज में कहानी एक लॉयर की है जिसकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चल रही होती है और उसका डिवोर्स भी हो चुका होता है। पर अचानक से उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब उसे एक बड़ा और हाई प्रोफाइल केस मिलता है जिसकी वजह से वो फेमस भी हो जाता है। तो जिन लोगों को कोर्ट रूम ड्रामा देखना पसंद है, उनके लिए ये सीरीज मस्ट वॉच है। तो गाइस, जिन लोगों ने ये सीरीज देख रखी है वो कमेंट में बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।